हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हरिद्वार व्लॉग पार्ट 3। और क्या आपने देखे हैं बैम्बू ट्री से बने क्लॉथ्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ बैम्बू ट्री से बने क्लॉथ्स एंड ऐसा कुर्ता जो स्मेल करता हो। सीरियसली, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस सूंघने से पता चल रहा था कि इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट सी उसकी जो फ्रेग्रेंस थी, सीरियसली बहुत ही अच्छी थी। और ये कुर्ता जो है वो प्योर कॉटन में ही थे और उसमें केसर की और कई तरह की खुशबू आ रही थी। और ये जो खुशबू थी इसकी, वो 20 वॉश के बाद थोड़ा जाके कम होने वाली थी, उसमें मेंशन था ऐसा। सो ये मेरे लुक को देख के आप ये मत समझना कि इतनी विंटर्स अभी इतनी गर्मी होने लगी और जैकेट पहनी हुई, क्योंकि गाइस हरिद्वार में ठंड थी जब हम लोग वहाँ पर गए। और हम लोग अभी ये मेंस सेक्शन में ही हैं और ये स्पोर्ट्स वियर में यहाँ पे 60% ऑफ चल रहा था और मटेरियल काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये शॉर्ट्स हैं बॉयज़ के, बॉय शॉर्ट्स हैं और इन पर भी अच्छा खासा ऑफ चल रहा था और उनकी ये बेस्ट सेलर्स में थे वहाँ पर, और क्वालिटी वाइज प्योर कॉटन में ही थे। सो गाइज, उसके बाद हम लोग गए हैं नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स की जो उनकी रेंज होती है, न्यूली लॉन्च वहाँ पे सारी चीज़ें थी। और ये जो आप बीड्स देख रहे हो, सिंगल सिंगल बीड्स भी आप शीट पे आप ले सकते हो, उसके बाद आप चाहे तो माला बना सकते हो। कुछ लोगों को शौक़ होता है माला बनाने का, तो ये रुद्राक्ष वहाँ पर सभी तरह के अवेलेबल थे। अब हम लोग आ गए हैं ये फूड डिपार्टमेंट में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी तरह की वैरायटी इसमें, लाइक सूजी, बेसन और अचार और कितनी तरह की वहाँ पे सभी जो वैरायटी जो किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी वहाँ पे अवेलेबल थे, और वो भी कितनी सारी वैरायटीज़ में। सो ये मसाले और ये ब्लैक पेपर और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही रही तो क्यों ना सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ। तो ये रेड चिली एंड हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हैं ये बिस्किट्स जो छोटे वाले पाउच भी थे और बड़े भी थे, और काफ़ी सारी वैरायटी में यहाँ पे बिस्किट्स अवेलेबल थे। और उसके बाद हम लोग आते हैं ये जो दालें होती हैं वहाँ पे, सभी तरह की दालें अवेलेबल थी। और आप ये देख सकते हो जो स्टोर है, इनकी जो छतें बनाई हुई हैं उन पर इतना सुंदर डिज़ाइन था, वो जो कंडीशनर आते हैं सो वो सब हैं, आप देख सकते हो ये वीडियो में। और इसके बाद ये हैं जेल, तो इनका जो एक केसर वाला जेल आता है और एलोवेरा जेल होता है, एंड ये था चारकोल में फेस वॉश। और फेस वॉशेस के भी इतनी सारी वैरायटीज़ आपको स्टोर में मिल जाएंगी। मैंने एक साथ रखे हुए इतने सारे पहली बार देखे थे, सो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब ऑल टाइप्स ऑफ फेस वॉशेस वहाँ पर अवेलेबल थे। और लुक एट द बॉटल, मुझे ये बॉटल इतनी सुंदर, इतना अच्छा डिज़ाइन लग रहा था। ये शावर जेल बॉटल थी इनकी, और मे बी ये न्यूली प्रोडक्ट होगा, सो इसलिए ये यहाँ पे इन्होंने सजाया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो गाइज, अगर आपने भी ऐसे फ़ैन कहीं देखे हैं, फ़ैन भी और स्क्रीन भी एक साथ में, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर ये ऐसे फ़ैन देखे थे। और उसके बाद ये बाहर यहाँ पे इन्होंने ये इनके जितने भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे लाइक ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन वगैरह एंड ऑयल्स एंड हनी एंड जितने भी इनके लिक्विड्स आते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, वो सब यहाँ पर इन्होंने ऐसे लगाई हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। सो क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और अंदर जाके तो हम भूल जाते हैं, तो ये बाहर ही इन्होंने ऐसे इस तरह से ये लगाए होते, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है इनका बुक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे किड्स की सामने ही किड्स की बुक्स थी एंड ऑल मैगजीन्स वगैरह जो पतंजलि से रिलेटेड हो, योग और एक्सरसाइज वगैरह से। सो गाइज, आपने देखे हैं अगर ऐसे फैंस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बाकी कहाँ, किस स्टोर में इस तरह के फैंस अवेलेबल हैं इंडिया में। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं
मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी इन फैंस से, तो मैं बार बार घूम घूम के फैंस ही देख रही थी। उसके बाद हम जा रहे हैं, ये किचन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये भी ग्लास स्टोर यही है। और यहाँ पे आप लोग अगर पूजा करते हैं तो यहाँ पे आपको हवन और पूजा से रिलेटेड सभी तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती और जो टीका वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे, चंदन एंड कितनी तरह की वैरायटी थी आई डोंट नो, वो सब अवेलेबल थी। और ये एक डिश वॉशर था जेल जो हमने लिया था। और उसके बाद हम लोग करा रहे हैं अब अपनी बिलिंग, और आप देख सकते हो ये कितना बड़ा स्टोर था, सभी तरह का ही इसमें बहुत ही बड़ा स्टोर था, ये क्लोथिंग भी और रेस्टोरेंट भी एंड मेडिसिन भी सभी चीज़ें। सो गाइज हमारी शॉपिंग तो हो गई डन। कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।